का वेलकम टू फिलर फॉर्म आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली मैं आपको पढ़ाती हूँ यूजीसी नेट पेपर और अभी जो हमारा टॉपिक चल चल रहा है, वो चल रहा है है वो आपका यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड वॉइस क्लियर है गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को वॉइस क्लियर है वीडियो अभी आप लोगों के पास शो नहीं होगी एक्चुअली लाइट चली गई अभी कुछ टाइम पहले लाइट गई है तो फिर वीडियो शो नहीं होगी बट ऑडियो क्लियर है ऑडियो ऑडिबल है आप लोगों के पास यस या नो में मुझे रिप्लाई कर दीजिए प्लीज़ गुड इवनिंग जी कनेक्टेड वेट लेट मी चेक ऑडियो uh, क्लियर है आप लोगों की कनेक्टेड ओके आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू ऑडियो क्लियर है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले तो सभी को सुपर क्लियर ओके गुड ठीक है हाँ वीडियो मैं तभी ऑन करूंगी अपनी जब लाइट आएगी ठीक है अभी लाइट नहीं है तो फिर इस वजह से मैंने अपनी वीडियो ऑफ की है बोथ ऑफ क्लियर बोथ कैसे हो सकता है क्लियर ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर आई एम फाइन वीडियो कैसे क्लियर हो सकती है वीडियो तो ऑफ है मेरी शो हो रही है क्या वीडियो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हाँ जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस आप सभी को मुबारक हो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आपको भी आजादी का दिन मुबारक हो मैम हाँ जी थैंक यू जी थैंक यू, यू सो मच आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो करें फिर क्लास को स्टार्ट ओनली पीपीटी शो हाँ एक्चुअली आज ऑनली पीपीटी ही शो होगी बिकॉज लाइट नहीं है अभी जस्ट कही एक दो मिनट पहले लाइट अगर आज आती है, तो वीडियो ऑन हो जाएगी मेरी ठीक है करते क्लास को स्टार्ट किसी का कोई डाउट तो नहीं है एक और चीज मैं अभी आप लोगों को बता दू पहले ही जो पीडीएफ है कल आप लोगों को पी डी एफ अपलोड करूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लियर uh, है क्योंकि आज मैं फोल्ड फोल्डर बना दूंगी बिकॉज लाइट का भी कुछ पता नहीं है आती है कि नहीं आती है फोल्डर बन जाएगा आज बट फोल्डर में कल अपलोड होगी पीपीटी ठीक है पीडीएफ कल आप लोगों की अपलोड होगी फोल्डर में क्लियर है सभी को करे स्टार्ट क्लास को फिर सभी थम्सअप दे दो टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं हां जी इमेज नहीं आएगी मैंने बोल दिया है बिकॉज लाइट नहीं है ओके गुड जैसे ही लाइट आती है मैं अपनी वीडियो को ऑन कर लूंगी ओके तो ये देख सकते हैं जी आप लोग पेपर वन पेपर सेकंड की तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं जी हम ठीक है आ, पेपर वन आपको पढ़ाने वाले हैं मंजू मैम और मैं ठीक है प्रियंका एंड जीतू सर क्लियर है इसी के साथ साथ आपको पीडीएफ ये आ, मिलती है ऐप पर और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है ओके okay. और उसकी कम्युनिकेशन की पीडीएफ आपने कंटेंट में जाना है कंटेंट में जाने के बाद आपने कोर्सेज में जाना है कोर्सेज में जाने के बाद दिसंबर का कोर्स होगा या फिर पेपर वन करके दिया गया होगा उसमें जाकर आपने नोट्स में जाना है नोट्स में आप लोगों को कम्युनिकेशन बाय प्रियंका क्लियर है वहाँ पे आप लोगों को को पीडीएफ पीडीएफ मिल जाएगी तो उस डाउनलोड कर लो अपने पास ओके और जिस किसी को रिकॉर्डेड क्लास में प्रॉब्लम हो रही है लाइव क्लास के पास ही आप लोगों के पास एक सा आता है उसमें रिकॉर्डेड करके लिखा होता है आर सी ठीक है उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास सारी रिकॉर्डेड क्लासे आ जाएगी मेरी क्लियर है मेरी और जितनी भी आपके पास पेपर वन की क्लास है ओके जी तो ये है जी आपको पी भी मैं करवा रही यूट्यूब पर आज मेरी क्लास नहीं होगी यूट्यूब पर आज ओनली मेरी क्लास पर होने वाली है, 100 मोक टेस्ट, ये तो आपको पता ही है और ये है जी पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और इस पे आपका फिफ्टीन थर्टीन अगस्त तो आपका 17 अगस्त तक आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिल रहा है ठीक है तो जो कोई भी पेड कोर्सेज को परचेज करना चाहता है वो ले सकता है और इस जितना भी आपको लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है इसका लाभ उठा सकता है ओके अब करते हैं जी हम क्लास को स्टार्ट तो ये था जी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस इज बिलो ठीक है आज मैंने पीपीटी बनाई है कल पीपीटी नहीं बना पाई थी क्योंकि कल सुबह से लाइट नहीं थी कल मैंने आपको पीडीएफ से ही पढ़ाया था ठीक है पीडीएफ से पढ़ाया था आज मैंने थोड़ा सा पीपीटी पे काम किया है ओके अभी देख लो जो आपका सिलेबस है टीचिंग में कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग करेक्टरिस्टिक्स ये मैंने सब कुछ आप लोगों को, को कल बता दिया एक बार और गो थ्रू कर लेना आप लोग ठीक है पीडीएफ भेज दूंगी पर कल यूट्यूब पर क्यों नहीं होगी मैम आज आपकी क्लास यूट्यूब पर मुझे मना किया I don't know. अभी तो बोला है कि सिर्फ मंडे को ही आप क्लास लोगे देखते हैं बाकी ठीक है है पर ही क्लास फिर आज मेरी ओके तो कल हमने ये पढ़ा था वट इज टीचिंग एप्टीट्यूड क्लियर है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या जब आप अपनी नॉलेज को यूज करते हो क्लियर है जब आप अपनी नॉलेज का यूज करते हो तो वो आपका एक तरह से टीचिंग में आ जाता है और नॉलेज में क्या क्या इंक्लूड था आपका क्वालिफिकेशन इंटेलिजेंस एटीट्यूड एंड अदर क्वालिटीज एक्सपेक्टेड फॉर फ्रॉम अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर क्लियर है ये हमने कल कर लिया था जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो देख लेना एक बार और ये भी हमने कल कर लिया था ओके okay, टीचिंग का मतलब क्या है बताना जरा मुझे टीचिंग का मतलब क्या है कल कब मैम ओहो प्रिया जी कल क्लास हुई है आपकी आ, सेवन पंद्रह पे मैंने क्लास सवा सात बजे मैंने क्लास स्टार्ट की थी कल ठीक है टू आपकी आठ एक या दो पे मैंने क्लास क्लोज की आपकी ओके कल आपकी क्लास हुई है कल मैंने टीचिंग आपको पढ़ाया है मींस ओवरव्यू दिया है टीचिंग का ओके कि टीचिंग होता क्या है बिहेवियर चेंजिंग स्टूडेंट जी और, और भी रिप्लाई करो सभी रिप्लाई करो चेंज इन पपल बिहेवियर पीपल बिहेवियर हां जी गुड्डू जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को लेट ज्वाइन किया है क्या कि आपने क्लास में और क्या था और क्या मतलब है टीचिंग का और भी बताओ एक लाइन ही बता रहे हो ये तो सब बोल रहे है ओवरऑल डेवलपमेंट हाँ जी वेरी गुड और क्या था फॉर्मेट ऑफ स्टूडेंट जी ऐप पर भी ली थी प्रियांशु जी कल क्लास और यूट्यूब पर भी हुई थी कल आपकी दो क्लास हुई थी ओवरऑल डेवलपमेंट समझ आ गया है कि टीचिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या है अब जो आपको क्वेश्चन बनते हैं या तो बनेंगे स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू करके दिया गया होगा फिर पूछा गया होगा की टीचिंग का मतलब क्या है बिहेवियर चेंज करना है स्टूडेंट्स का देखो आउटकम वो भी आपका इसी में ही आएगा टीचिंग में ही आएगा स्टूडेंट्स का आउटकम ठीक है कि क्या आउटकम आ रहा है स्टूडेंट से सिस्टम ऑफ एक्शन टू इंड्यूस लग लर्निंग वेरी गुड वेरी गुड हाँ जी ठीक है अब मुझे आ, लग गया पता है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया टीचिंग का अब प्लीज ध्यान से देखना ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन या या तो या में बनेंगे ठीक है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड बनेंगे या फिर नॉट वन वाला पूछा जाएगा या फिर एक्सेप्ट वाला या एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस वाला पूछा जाएगा या फिर करेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑब्जेक्टिव इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ठीक है और वो हम क्वेश्चन करेंगे पी वाई क्यू अगर यूट्यूब पर मेरी क्लास हुई तो ठीक है उसपे करेंगे हम पी क्यूज ठीक है अब सुनो ध्यान से ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है सिंपल लाइन में हम पढ़ेंगे मीन्स वेरी सिंपल ठीक है वही जो हमने कल पढ़ा था टीचिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है सिस्टेमेटिक प्रोसेस है टीचिंग ठीक है बट इट इट्स व्यू पॉइंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो इन विच कैपेसिटी वन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस बिलो मेंशन आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो मैं अंडरलाइन करती हूँ ना इट मीन्स की वो इम्पोर्टेंट है ठीक है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इट मीन्स की वो इम्पोर्टेंट है मैम पीपीटी ब्लर शो हो रही है आज यूट्यूब पे क्लास है क्या नहीं आज यूट्यूब नहीं है राखी मिश्रा जी मैम पीपीटी ब्लर शो रही पीपीटी नॉट क्लियर मैम परमानेंट चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर गुड गुड अच्छा पीपीटी शो हो रही है क्या करा किया जाए फिर पीपीटी का कनेक्ट तो किया है मैंने और अभी जस्ट मैंने अपने फोन पे भी रिचार्ज किया है एक्चुअली वाईफाई तो नहीं चलेगा क्योंकि लाइट नहीं है तो विदाउट एनी लाइट वाईफाई नहीं चलेगा और फोन से कनेक्ट किया है हॉटस्पॉट ऑन करके फिर वाईफाई कनेक्ट किया है और रिचार्ज भी किया है फोन पे तो क्या कोई बता सकता है मुझे इसका कोई सॉल्यूशन क्यों ब्लर हो रहा है ये डाटा तो फुल है मेरे पास क्योंकि अभी जस्ट मैंने नेट पैक करवाया अपने फोन पे फोन से कनेक्ट किया है कोई बता सकता है इसका सोल्यूशन हाँ जी लग गया जी पता पीपीटी इज नॉट क्लियर हाँ जी मैम बस आप पढ़ाओ समझ आ जाएगा नहीं अगर कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ बता दो मुझे अगर कोई बता सकता है मैंने अपने फ़ोन से वाईफाई फाई कनेक्ट हॉटस्पॉट मीन से अपने फ़ोन से कनेक्ट किया है ठीक है वाईफाई मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया है लैपटॉप में मैम स्पीड फास्ट करूँ नेट की स्पीड कैसे फास्ट होगी नेट की फाइव चल रहा है समझ आ रहा है मैम थोड़ा दिख रहा है फाइव जी चल रहा है डिस्कनेक्ट कर लो ओहो डिस्कनेक्ट नहीं अगर परमदीप जी डिस्कनेक्ट कर लिया क्लास आपकी क्लोज हो जाएगी अभी फिर दोबारा से क्लास शेड्यूल करनी पड़ेगी मुझे ठीक है सेटिंग में जाना पड़ेगा फाइव जी चल रहा है सेटिंग में जाके ये तो मैंने कर दिया था नेट की स्पीड तो इनक्रीज कर दी थी फाइव जी कर दिया था मैंने वैसे भी आप समझाते हैं समझ आ जाता है ठीक है फिर कोई नहीं ठीक है प्लीज एडजस्ट कर लो आज थोड़ा सा ओके एडजस्ट कर लो थोड़ा सा सॉरी लाइट की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही अब देखो ये मेरे हाथ में नहीं है कौन सा बैरियर बोलेंगे वैसे अगर लाइट नहीं है तो कौन सा बैरियर है ये जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था क्या ये फिजिकल बैरियर है या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर है या फिजियोलॉजिकल बैरियर है या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है या सिमेंटिक बैरियर है लाइट का ना होना कौन सा बैरियर होगा ये भी बता दो साथ के साथ ही हाँ जी कौन सा बैरियर होगा लाइट का ना होना जल्दी से फिजिकल गुड अब देखो ध्यान से सुनना व्यवस्थित प्रक्रिया है इंपॉर्टेंट ठीक है इंपॉर्टेंट है ये लेकिन इसके दृष्टिकोण अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होते हैं सही बात है और यह भी कि कोई इस प्रक्रिया में किस क्षमता से शामिल है नीचे शिक्षण के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं अब देखिए द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग द डिजायर्ड इन चेंज इन द दीपल जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था क्या ये वही बात नहीं बोल रहा है डिजायर्ड चेंज इन द दीपल शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाना है क्या वही बात नहीं बोल रहा है जो हमने મે પડા થા વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓકે ધ ટીચર શેર નોલેજ વિથ ધ સ્ટુડન્ટ સો ધેટ দে લર્ન અબાઉટ કોન્સેપ્ટ ઇન અ બેટર વે યહા સે ભી ક્વેશ્ચન પૂછા ગયા હૈ આપસે પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન પેપર મે ઓર યહા સે ભી ક્વેશ્ચન પૂછા ગયા હૈ આપસે પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન પેપર મે મીન્સ એક એક લાઇન એઝ ઇટ ઇઝ આપકી ઉઠકે આઈ હે એક્ઝામ મે ઠીક હે એઝ ઇટ ઇઝ વિથઆઉટ એની ચેન્જીસ સેમ લાઇન ઉઠકે આઈ હૈ দে લર્ન અબાઉટ કોન્સેપ્ટ ઇન અ બેટર વે टीचिंग हेल्प इन बिल्डिंग द लर्निंग स्किल ऑफ द लर्नर ठीक है उसकी लर्निंग स्किल को बिल्ड करने के लिए टीचिंग हेल्प uh, करती है टीचिंग द द एटीट्यूड एटीट्यूड एंड एंड बिहेवियर बिहेवियर ऑफ ऑफ लर्नर लर्नर और शेप शेप देती है है ये ठीक हिंदी में देख लो एक बार शिक्षक छात्रों के साथ ज्ञान साझा करते हैं ताकि वे अवधारणाओं के बारे में बेहतर तरीके से सीख सके मीन्स उनको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए ठीक है उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए शिक्षण शिक्षार्थियों की सीखने के कौशल के निर्माण निर्माण में मदद करता है मीन स्किल में भी ये मदद करता है एटीट्यूड में भी ये मदद करता है स्किल एटीट्यूड में भी मदद करता है ये दृष्टिकोण और व्यवहार को भी आकार देता है शिक्षण शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण और व्यवहार को भी आकार देता है बिहेवियर ठीक है अब कितनी चीजें आप लोगों के पास इंक्लूड होगी एटीट्यूड बिहेवियर स्किल ठीक है नॉलेज टू इंक्रीज नॉलेज ठीक है टू चेंज बिहेवियर क्लियर है तो ये सारी चीजें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे टीचिंग के अब यहाँ से आपके से या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड या फिर असर्शन रीजन बेस्ड या फिर वन लीनियर भी आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीचर का क्या मेन रोल होता है मेनली तो वहां पे आप लोगों को ऑप्शन दी गई होगी कुछ भी ठीक है तो उसमें से बेस्ट वन को चूज कर लेना जो अभी हमने मेथड्स पढ़े हैं ठीक है सबसे मेन रोल टीचर का यही होता है ओवरऑल डेवलपमेंट सब्जेक्ट का कंसेप्ट को क्लियर करवाना उसके बिहेवियर बिल्डअप करना स्किल्स को, को ठीक है तो ये सारी चीजें और उसके चेंज इन प्यूपल, उसके बिहेवियर को डिजाइड चेंज इन प्यूपल, ठीक है तो ये सारी चीजें आ जाएगी ऑब्जेक्टिव में हम फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू अब ऑब्जेक्टिव टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है शिक्षक के दृष्टिकोण से अभी देखेंगे हम बिलो मेंशन आर सम रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ टीचर हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओके ए मैंने आपको एक चीज बताई थी एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव अब यहाँ पे मुझे बताओ कि एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है जल्दी से रिप्लाई करो एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है मैं पढ़ के बता दूंगी कोई बात नहीं सॉरी फॉर दैट लाइट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है लाइट नहीं है उस वजह से पीपीटी ब्लर जा रही है क्योंकि विदाउट एनी लाइट आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा फोन से कनेक्ट किया है मैंने मैं पढ़ के बता रही हूँ कोई नहीं आप मुझे ये बताओ कि एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है यहाँ पर टीचर एक्टिव है ठीक है और स्टूडेंट पैसिव है वेरी गुड टीचर एक्टिव मीनस सक्रिय और निष्क्रिय ठीक है सक्रिय और आपका निष्क्रिय ओके वेरी गुड ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया अब देखो यहाँ पे लिखा है एक्टिवली इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर हु इज एक्टिवली अब यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन बन सकता है टीचर हु इज पैसिव इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर आपसे एग्जाम में ये बोला गया कि पैसिव और पूछा भी गया है पैसिव डाल दिया था टीचर को तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्लियर है इस तरह से क्वेश्चन बनते एग्जाम में ओके आपको आता सब कुछ है बट एग्जाम में बस आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर देना नहीं आता ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे सम टाइम अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्या क्वेश्चन बनाएगा टीचर हु इज पैसिव इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और वो गलत हो जाएगा टीचर तो एक्टिव है पैसिव तो स्टूडेंट है यहाँ पे स्टूडेंट होगा तो पैसिव बैठेगा सही बट अगर टीचर है टीचर के साथ एक्टिव सही बैठेगा स्टूडेंट के साथ पैसिव सही बैठेगा क्लियर है में में क्लास क्लास कब स्टार्ट स्टार्ट हुई हुई अब देखो किसी भी प्रकार के शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षार्थी को ज्ञान और बुद्धि से समृद्ध करना है क्लियर है Next, to enhance creative thinking and thinking skill. रचनात्मक सोच और विचार कौशल को बढ़ाना टीचर का काम है द इम्बाइड द इम्बाइव सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल एज अमंगस्ट द स्टूडेंट विद्यार्थियों में भी स्वतंत्रता की भावना पैदा करना ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थियों के ऊपर सिर्फ ये नहीं कि वो बोल ना पाए देख ना पाए मीन्स उनको स्वतंत्रता महसूस हो ठीक है उनको स्वतंत्रता महसूस हो उसकी भावना पैदा करना ये नहीं की कोहेरेंट वाला नहीं होना चाहिए कि बंदूक रख के सारी चीजें में जबरदस्ती काम करवाना स्टूडेंट से जबरदस्ती स्टूडेंट के साथ करना तो वो गलत हो जाएगा बट स्टूडेंट को भी स्वतंत्रता की भावना पैदा करवाना एक टीचर का काम है तो ये भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है और इसका ये क्वेश्चन था यहाँ से एग्जाम में जो आप लोगों से पूछा गया था कि टीचर के ऊपर टीचर जो है वो स्टूडेंट के ऊपर दबाव डाले ठीक है हिंदी में दबाव था इंग्लिश में पता नहीं क्या था ठीक है दबाव डाले तो ऐसा नहीं है अब टू ब्रिंग एन ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट अब देख लो होलिस्टिक का मतलब होता है आपका जब चार पांच छह सात चीजें मिलकर काम करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट ठीक है उसका स्किल में इंप्रूव करो उसके एटीट्यूड में इंप्रूव करो उसके नॉलेज में इंप्रूव करो, intelligence में इंप्रूव करो इंटेलिजेंसी में इंप्रूव करो उसको स्वतंत्रता दो क्लियर है तो ये सारी चीजें होलिस्टिक बन जाएगी मिलकर होलिस्टिक का मतलब होता है जब चार पांच छह सात चीजें मिलकर काम करती है ठीक है मिल जाती है तो उसको बोलते हैं हॉलिस्टिक टू ब्रिंग एन ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट छात्रों में समग्र विकास लाना टू हेल्प स्टूडेंट टू रिमेन मोटिवेटेड टू वर्ड लर्निंग अब उस छात्रों को सीखने के प्रति प्रेरित रहने में मदद करना सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के ओके okay, जी हां जी इंडिपेंडेंट होगा टीचर और आपका डिपेंडेंट होगा स्टूडेंट एक्टिव होगा टीचर और पैसिव होगा स्टूडेंट ओके okay, जी टीचर इंडिपेंडेंट स्टूडेंट डिपेंडेंट हाँ और टीचर ने क्या करना है कि बच्चों को भी स्वतंत्रता देनी है कि बच्चे बोल पाए अपने विचारों को रख पाए टीचर से बात कर पाए अपने डाउट को क्लियर कर पाए तो ये भी एक टीचर के हाथ में रहता है उसने टीचर ने स्टूडेंट के ऊपर दबाव ना बनाए तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्या टीचर स्टूडेंट के ऊपर दबाव बनाए वो बेटर है नहीं वो बेटर नहीं है बल्कि टीचर स्टूडेंट को स्वतंत्रता दे कि स्टूडेंट अपनी बात को रख सके वो बोल पाए कि मैम मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ये मेरा डाउट है ओके okay, जी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट फ्रॉम द लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू अब लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखेंगे जहां पे लर्नर यूज हो गया जहां पे लर्नर्स यूज हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बोलोगे पैसिव स्टूडेंट है लर्नर ठीक है स्टूडेंट है लर्नर पैसिव हो गया और क्या बोलोगे आप स्टूडेंट को डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गया ओके okay. ये है जी स्टूडेंट पैसिव एंड डिपेंडेंट जहां पे टीचर की बात आ गई टीचर को क्या बोलोगे इंडिपेंडेंट और एक्टिव ओके जी अब देखो लर्नर्स आर द वंस बेनिफिटिंग फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस सो दे आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एज डिस्कस्ड बिलो शिक्षार्थी ही सीखने की प्रक्रिया से लाभान्वित होते हैं इसलिए वे शिक्षण के उद्देश्य को स्थापित करने में भी एक महत्वपूर्ण कारक है जैसा कि नीचे चर्चा में चर्चा की गई है अब देखो टू गेन डाउट टू गेन डाउटलेस नॉलेज फ्रॉम द टीचर शिक्षकों से निसंदेह ज्ञान प्राप्त करना ठीक है मीन्स की शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करना ये भी एक स्टूडेंट uh, का कर्तव्य बनता है या फिर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें क्लियर है टू गेट एन इन डेफ व्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर क्लियर है विषय वस्तु पर गहराई से विचार करने के लिए भी एक शिक्षक का काम है कीप अप विद द द ट्रेंड्स इन एजुकेशन सिस्टम शिक्षा प्रणाली में रुझानों को बनाए रखने के लिए भी क्लियर है तो ये भी सारे आपके इंपॉर्टेंट है ओके okay? ये था जी आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लर्नर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टीचर जो इससे पहले हमने किया अब देखो टीचर इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव हाँ, साथ साथ में अगर रिप्लाई करोगे ना तो इजी हो जाएगा और यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ओके अगर हम की बात करें अथॉरिटेरियन की बात करें तो वो किस में आएगा टीचर सेंटर्ड में आएगा कि फिर लर्नर सेंटर्ड में आएगा अथॉरिटेरियन कि अथॉरिटी किसके पास होती है टीचर के पास की लर्नर के पास एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार अगर हम अथॉरिटी की बात करें अथॉरिटेरियन की बात करें जो अथॉरिटेरियन आपका कंसेप्ट है तो वो टीचर सेंटर आएगा कि लर्नर अभी तो आंसर दे रहे हो बट एग्जाम के टाइम पता नहीं क्या होता है हम वहां पे करके आ जाते हो स्टूडेंट कि सारी अथॉरिटी तो मैम हमारे पास ही है टीचर क्या कर लेगी हमारा और वहां फिर दिमाग चलता है अच्छा खासा जब क्वेश्चन सामने आते हैं, आते हुए भी गलत कंसेप्ट क्लियर होते हुए भी गलत जब भी आप एग्जाम में बैठते हो ना तो प्लीज पेशेंस रखना है उस टाइम पे क्लियर है पेशेंस रखना है और कूल माइंड के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करना है क्योंकि फिर ऐसा होता है कि आते हुए भी गलत करके टिक गलत करके आते हो स्टूडेंट और लर्नर इज सेम हां जी स्टूडेंट एंड लर्नर इज सेम ओके okay. अब देखो नेचर ऑफ टीचिंग एंड करेक्टिस्टिक जितना भी अभी करवाया ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ टीचिंग करवाई आप लोगों को क्लियर है और आप लोगों को फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट के व्यू से करवाया एंड लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया नेचर से करवा रही रहे सारे एग्जाम में पूछा गया है सारा एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है डेफिनेटली अब देखो नेचर ऑफ टीचिंग एंड करेक्टिस्टिक्स इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ठीक है कि एक टीचर का काम क्या है बर्डन समझ के नहीं पढ़ना है इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए एक बार ठीक है फिर तो जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए इजीली कर लोगे आप नेचर ऑफ टीचिंग कैन बी ब्रीफली स्टेटेड टू बी सोशल प्रोसेस दैट इज डायनामिक इन नेचर एंड हुन द नेचर ऑफ टीचिंग एंड इट्स करेक्टिक्स आर डिस्कस बिलो ठीक है डायनामिक नेचर ये भी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन भी आपके डायनामिक एंड कंटिन्यू प्रोसेस है और टीचिंग भी आपके डायनामिक एंड कंटिन्यू डायनामिक का मतलब क्या होता है गतिशील ठीक है गतिशील जो फिक्स्ड नहीं होता चलता रहता है निरंतर ठीक है चेंज होते रहते हैं क्रिएटिविटी होती रहती है चेंज एंड क्रिएटिविटी भी आप इसको बोल सकते हो तो टीचिंग में ये तो होना चाहिए चेंज भी होना चाहिए क्रिएटिविटी भी, भी होनी चाहिए मेथड भी चेंज होनी, होनी चाहिए क्लियर है हां जी अब देखो टीचिंग ट्रेड्स ट्रेड्स आर टू बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म सम ऑफ हैव बीन अब देखो पे नेचर क्या क्या है टीचिंग के शिक्षण मानवीय कारकों से प्रभावित एक सामाजिक प्रक्रिया है सोशल प्रोसेस जो सदैव विकसित होती रहती है इंपॉर्टेंट है ये भी सोशल प्रोसेस भी है टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है समटाइम ठीक है टीचिंग इज डायनामिक टीचिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस टीचिंग इज डायनामिक प्रोसेस डायनामिक इन नेचर टीचिंग इज सोशल प्रोसेस टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक है इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन फैक्टर दैट आर ऑलवेज इवॉल्विंग विकसित जो सदैव विकसित होती रहती है टीचिंग इज डायनामिक इन नेचर इंपॉर्टेंट है ये भी और कम्युनिकेशन भी आपके डायनामिक है और कॉन्टिन्यूज है ओके okay, जो अभी हम हाँ पढ़ के आए कम्युनिकेशन की यूनिट को कवर करके आया अभी टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ठीक है टीचिंग आपका आर्ट भी है और आपका साइंस भी है ऐसा क्यों है विच मीन्स दैट अ टीचर फर्स्टली शुड हैव द नॉलेज एंड देन प्रोसेस प्रोसेस द स्किल टू प्रेजेंट इट एज वेल हिंदी में देखो कितना प्यारा लिखा है शिक्षण एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है जिसका अर्थ है कि एक शिक्षक के पास सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए और फिर उसे प्रस्तुत करने का कौशल भी होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप नेट क्वालिफाइड कर देते हो नेट आर क्वालिफाइड करते हो तो ज्ञान तो आपके पास आ गया ऑब्वियसली आपनेट जे आर क्वालिफाइड किया तो इतनी नॉलेज तो आपने गेन की होगी बट उस नॉलेज को प्रेजेंट करना स्किल में आता है ठीक है वो आर्ट में आता है कि आपके पास वो आर्ट है क्लियर है मैम जैसे अदर्स पढ़ाई में पोर्शन इम्पोर्टेंट चीज़ें दी जाती है लेकिन नेट में क्यों नहीं दिया जाता मैम कैसे मतलब पढ़ाई में इम्पोर्टेंट चीज़ें दी जाती है लेकिन नेट में क्यों नहीं दिया जाता मैम आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे मैं सफर मैम जैसे अदर्स पढ़ाई में गतिशील ओके okay. अब देखो टीचिंग हैज अ वेरी वाइड स्कोप विच मेक्स इट डाइवर्स इन नेचर शिक्षण का दायरा बहुत व्यापक है जो इसे प्रवृत्ति में विविधतापूर्ण बनाता है ओके इनसे फाल फैलता रहता है फैलता रहता है ठीक है वाइड स्कोप है ये भी एग्जाम है यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और यही लाइन है एज इट इज उठ के आती है ठीक है यही लाइन है वाइड स्कोप है अब वाइड की जगह आपको दिया गया स्मॉल स्कोप है ठीक है या फिर नैरो स्कोप है और आप सोचते हो हाँ टीचिंग तो नैरो हो सकती है फिर वाइड और नैरो में कंफ्यूज एक स्टेटमेंट दी होगी नैरो स्कोप है एक स्टेटमेंट दी होगी वाइड स्कोप है आप कंफ्यूज हो जाते हो फिर अच्छा इतना पढ़ लो तो नेट की तैयारी आपका पूरा ये है ना कि बाल की भी खाल निकालनी है नेट में कि आपने जितना भी पढ़ा है मीन्स की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है नेट में नेट के एग्जाम के लिए तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है बट मुझे तो सही लगता है ये कि कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर जो मर्जी आ जाए अब देखो सोशल प्रोसेस इजी है डायनामिक इजी है आप लोगों का साइंस और आर्ट इजी है और वाइड स्कोप होगा ऑब्वियसली नैरो बहुत फैला हुआ है टीचिंग ठीक है हाँ सब इम्पोर्टेंट होता है ये सब इम्पोर्टेंट होता है वैसे सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट सारा ही होता है जितने भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर लो अब देखो कैरेक्टिस्टिक्स ऑफ टीचिंग शिक्षण के लक्षण सामान्यत शिक्षण की सबसे प्रमुख विशेषता विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना है ठीक है है जी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उचित आयोजन कार्यवंध मूल्यांकन आदि शामिल होता है यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षण में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है टीचिंग इज अ प्रोसेस वेर इन प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन इवेल्यूएशन एक्सेट्रा इज इन्वॉल्व यहाँ से भी आपका साइंस क्या होता है ओके आर्ट एंड साइंस का मतलब क्या होता है साइंस का मतलब होता है ना कि जब आप ना फार्मूले लगाते हो और हर चीज को ना आप समझते हो मींस साइंस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज की नॉलेज को गेन करते हो ठीक है किसी की किसी भी चीज की आप नॉलेज को गेन कर रहे हो वहां पर आप फार्मूले लगा रहे हो एंड मींस रैशनल थिंकिंग होती है आपकी साइंस एक तरह से रैशनल थिंकिंग होती है आप लोगों की साइंस एक तरह से ठीक है कि रैशनल थिंकिंग यानी कि किसी की बोली जो आपको बोल दिया किसी ने भेड़ चाल चलना ठीक है वो साइंस में नहीं आएगा कि भेड़ चाल चलना कि आपको किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है जी ठीक है जैसे बूढ़ी बूढ़ियों की किसी कहानी बोलते हैं ना कि कहानी कथा कहानियों पे मन लगाना वैसा नहीं साइंस का मतलब ये होता है कि जो एक्यूरेट है और जो प्रूव किया जा सकता है जो डिडक्टिव इन नेचर है जो सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है वो ठीक है मीन्स की जिसके लिए फॉर्मूले लगे हैं जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं क्लियर है वो आ जाएगा आपका साइंस साइंस में में समझ लो मेरी बात को में ये नहीं होगा कि मान लो मैंने आपको कोई कहानी सुना दी ठीक है और आपने उस कहानी पे विश्वास कर लिया वो साइंस में नहीं आएगा साइंस में आएगा कि अगर मैंने आपको कोई बात बताई है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये बात ऐसे है ठीक है मेरे पास प्रूफ होने चाहिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा क्लियर है तो वो आ जाएगा जी आपका साइंस में अब जो आपका आर्ट है आर्ट हो जाता है कि आप किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करते हो जो आपके पास नॉलेज है आप, आपको उसको प्रेजेंट करने का आपके पास क्या कला है क्या आर्ट है क्या स्किल्स है आपके पास क्लियर है तो वो आ जाएगा जी आपके पास आर्ट अभी क्लियर है साइंस के जहां पे साइंस की, की बात आ गई मीन्स प्रूव करना रैशनल थिंकिंग साइंटिफिक डिडक्टिव कि ये नहीं कि मैंने कोई कहानी सुनाई और आपने विश्वास कर लिया अब जो भी मैंने आपको कोई कुछ कंसेप्ट बताया है तो उसके पीछे क्यों वो कंसेप्ट आ रहा है क्यों ऐसा है वो आ जाएगा साइंस में क्लियर है किसने पूछा था इश्तखर चौधरी नेम नहीं पढ़े जाते मुझसे आप लोगों के कैसे कैसे इश्तखर चौधरी चलो चौधरी बोल लेते चौधरी जी ठीक है क्लियर है मैम प्लीज आप SMS का रिप्लाई क्यों नहीं करता हाँ जी बताइए क्लियर है अभी साइंस क्लियर है मीन्स प्रूव करके बताना आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में डिडक्टिव नेचर और आर्ट हो गया कि उसको प्रेजेंट करने की एक कला जितनी भी आपके पास नॉलेज है या फिर जो मेरे पास नॉलेज है उसको प्रेजेंट करने की एक कला फॉर एग्जाम्पल देखो जो आर्ट है ना वो आ जाएगा आपका स्किल्स में अब अगर आप ड्राइविंग सीखते हो ना तो वो स्किल है क्लियर है वो स्किल है अगर आप पढ़ाई करते हो ना अगर आप पढ़ाई करते हो स्टडी करते हो नॉलेज लेते हो डिप्लोमा करते हो तो वो आपका साइंस में आ जाएगा एक तरह से ठीक है अगर आप ब्यूटिशन का कोर्स कर रहे हो तो वो आपकी स्किल है वो आर्ट है सिलाई सेंटर कर रहे हो कुकिंग कर रहे हो वो आर्ट है पर जब आप थ्योटिकली कुछ चीज़ों को सीख रहे हो और थ्योटिकली आप रूल्स uh, रेगुलेशन जैसे हम थ्योरीज पढ़ते हैं ठीक है तो वो आपकी नॉलेज में आ जाएगी साइंस में आ जाएगी वो ओके गुड ठीक है जी चले अब नेक्स्ट अब ये इंपॉर्टेंट है आपका उसके बाद आगे देखेंगे हम। ये रेज कर लो पहले टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्टिव इंटरेक्ट होना मीन्स एक दूसरे से बातचीत करना इंटरेक्टिव ठीक है इंटरेक्ट होना जैसे हम बोलते हैं ना इंटरेक्टिव टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव जैसे कि आपको मूवीज बड़ी इंटरेक्टिव लगती हैं ठीक है सोशल मीडिया बड़ा इंटरेक्टिव लगता है तो टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन किसके बीच में होगी इंटरेक्टिव तो दो लोगों के बीच में होगा क्योंकि टू वे है ये अभी हमने पढ़ा है अभी हमने लोग पढ़ा है, है कि इंटरेक्टिव होता क्या है टू वे कम्युनिकेशन होती है टू वे है ये टू वे है इट मीनस की टीचर भी होगा और यहाँ पे स्टूडेंट भी होगा ठीक है अब देख लो अगर आपको कम्युनिकेशन की कंसेप्ट भी क्लियर थे तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे भी यूज हो रहा है इंटेक्टिव टीचर एंड स्टूडेंट शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया है टीचिंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट इन एन इफेक्टिव एंड इफिशियंट वे शिक्षण छात्रों को प्रभावी और कुशल तरीके से ज्ञान प्रदान करने की एक प्रभावी तरीका है। है, है, है। है है, है? देखो मैंने पहले भी 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 बोला था, communication भी continues है, teaching भी continues है. मतलब चीजें आपकी continues है. जो continues आता है, वो आपको ठीक समझना। और जो आपका आ आ गया, या फिर आपका fixed nature आ गया, इसमें खासकर वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाएगा ठीक है हाँ फॉर्मल में अगर आपका फिक्स्ड आ गया तो वो पॉजिटिव है क्योंकि फॉर्मल बताता ही सिस्टमेटिक फिक्स्ड चीजों को है ओके okay? तो समझना है चीजों को टीचर एंड स्टूडेंट टीचिंग इज कॉन्टीन्यूअस विच मीन दैट इज अफ लॉन्ग जर्नी ऑफ टीचर लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर बियॉन्ड बुक्स एंड इनवॉल्व टीचिंग लाइफ स्किल एज वेल अब जरूरी नहीं की सिर्फ टीचिंग में यही होता है की कि आपको किताबी ही नॉलेज दी जाए बाकी आपको कोई भी नॉलेज ना दी जाए अब मैंने बोला था आपको कल ही एक बात बताई थी ओवरऑल डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बुक्स ही नहीं आती आपके एथिक्स ठीक है आपको अच्छी हैबिट्स बताया जाए आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाए आपको आपकी नॉलेज जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो आपको सिखाया जाए टीचिंग में आपको पता ही है कि कितनी सारी चीजें सिखाई जाती है जैसे हम सीखते थे बचपन में अपने से बड़ों का आदर करो वो सारी चीजें ठीक है आपके अंदर गुड एथिक्स हो ईमानदारी वफादारी ये चीजें आपके अंदर डेवलप की जाए इनके अलावा भी ठीक है टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोफेशन अब ये प्रोफेशन है शिक्षण को एक पेशा माना जाता है देखो टीचिंग भी आपका प्रोफेशन है ये ये भी बचपन में पढ़ा था हमने कि प्रोफेशन क्या होता है टीचिंग प्रोफेशन है एडवोकेट प्रोफेशन में आते हैं और आप लोगों का इंजीनियर प्रोफेशन में आते हैं चार्टर अकाउंटेंट आपके प्रोफेशन में आते हैं ठीक है ये आपके प्रोफेशन में आते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि टीचिंग आपका क्या है प्रोफेशन है या फिर तीन चार चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने भी मे भी साइंस में पढ़ा होगा कि कब टेंथ में या फिर प्लस वन टू में प्रोफेशन और भी दो तीन चीजें होती है टीचिंग कैन ऑल्सो बी इवेलुएटेड एंड एनालाइज्ड एंड कैन बी शोन द फर्दर पाथ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एज वेल शिक्षण का मूल्यांकन और विश्लेषण भी किया जा सकता है और आगे सुधार की राह भी दिखाई जा सकती है तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है हाँ शिक्षण का मूल्यांकन किया जा सकता है अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से नॉट यहाँ पे इस तरह से डाला जा सकता है टीचिंग कैन ऑल्सो नॉट इवेलुएटेड एंड एनालाइज तो वो गलत हो जाएगा बल्कि टीचिंग को इवेल्युएट एंड एनालाइज किया जा सकता है और उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी की जा सकती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टीचिंग आपका डायनामिक नेचर है डायनामिक नेचर है इट मीन्स कि हम उसको चेंज कर सकते हैं इट मीन्स कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इट मीन्स कि हम एनालाइज कर सकते हैं इट मीन्स कि हम इवेलुएटेड कर सकते हैं तो जब आपको ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि टीचिंग डायनामिक है तो फिर नॉट इवेलुएटेड या नॉट इम्प्रूवमेंट ये तो किसी भी हाल में नहीं आएगा ओके okay, जी तो अब देख लो अगर आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर है ना तो काफी चीजें कड़ियों से कड़िया जुड़ी है यहाँ पे क्लियर है समझ लो मैम ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे सभी इंपॉर्टेंट है जी मिस सफरी पॉइंट और ये आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं ओके टीचिंग इज कंसिडर टू बी प्रोफेशन एडवोकेट प्रोफेशन में आते हैं ये भी एग्जाम में पूछा है मीन्स जितना भी मैंने अभी आप लोगों को बताया इंटरेक्टिव प्रोसेस एग्जाम में पूछा गया है इवेलुएशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सारा आपसे एग्जाम में पूछा गया किसी न किसी शिफ्ट में आज तक एटी टू शिफ्ट है पूरी पेपर वन की ओके okay? हम देखो टीचिंग इन्वॉल्व सर्टेन लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन एज वेल एज इन डेप्थ नॉलेज इज रिक्वायर्ड सो दैट द लर्नर गेट क्लियरिटी ऑन द सब्जेक्ट शिक्षण में एक निश्चित स्तर की विशेषज्ञता के साथ साथ गहन ज्ञान की भी आवश्यकता होती है ताकि शिक्षार्थियों को विषय पर पस स्पष्टता मिल सके इंपॉर्टेंट है ये भी टीचिंग ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन चेंज इन द लर्नर ये तो देखो हम पढ़ते ही आ रहे हैं चेंज करना उसके बिहेवियर को ठीक है ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट डे हमने पढ़ लिया जब हमने टीचिंग स्टार्ट ही किया था फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट टीचिंग बी एन एंड एन एनाइज जी और एग्जाम में बताए क्या दिया होगा नॉट दे दिया होगा बीच में और आप कर लो कि हाँ हाँ सही है सही है जैसे कि कल भी आपने एक क्वेश्चन में किया था नॉट लिखा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और वहां पर लिखा गया था नॉट और आपने वो भी सही कर दिया था तो ऐसे बनाता है एग्जामिनर क्वेश्चन मैम प्लीज आज पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा वरना बहुत लिखना पड़ जाएगा मैम मिस अफरीन लाइट नहीं है और आज मैं आप लोगों को अंधेरे में बनाऊंगी अभी मैं फोन अपने फोन के टॉर्च से बनाऊंगी अभी फोल्डर टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग फोल्डर बनेगा ना बनेगा तो नोट्स में ही दिसंबर वाले बैच में ही सब कुछ कंटेंट बट फोल्डर अलग बनेगा आज फोल्डर बना दूंगी पूरे थर्टी कोर्स में एक घंटा तो लग जाएगा उसमें कल पीडीएफ अपलोड कर दूंगी डेफिनेटली ओके सॉरी फॉर दैट आपने क्या करना है रिकॉर्डेड क्लास देख लेना ना और साथ में नोटबुक निकाल लिया करो और साथ में लिख लिया करो ठीक है टीचिंग इज अ स्पेशाइज्ड टास्क ठीक है जी टास्क तो होगा ही ऑब्वियसली ये शिक्षण शिक्षार्थियों में कुछ परिवर्तन आ, कौन सा है विशिष्ट कार्य है शिक्षण शिक्षार्थियों में कुछ परिवर्तन लाता है शिक्षण एक विशिष्ट कार्य है ठीक है जी टीचिंग इज फ्लेक्सीबल अब देखो यहाँ पे एग्जाम में क्या बोल सकता है फिक्स्ड नेचर बोल सकता है या फिर स्टैटिक बोल सकता है ठीक है टीचिंग इज फ्लेक्सीबल एंड मेजरेबल जिसका आकलन किया जा सके जो माप नहीं योग्य हो गया तो हां जी टीचिंग आपका लचीला भी है और मापने योग्य भी है क्योंकि जब आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो इवेलुएट करते कर सकते हो एनालाइज कर सकते हो तो ऑब्वियसली ये फ्लेक्सीबल में आ जाएगा फिर मेजरेबल में आ जाएगा फिर ये क्लियर है ये अंधेरा हो गया मैम रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं रहता है वो भी तो बहुत दिनों के बाद अपलोड होता है ऐसा क्यों प्रियांशु जी मेरे मेरे पास तो रिकॉर्डेड क्लास हर कोर्स में शो होती है जब मैं देखती हूँ तो जो आपका लाइव क्लास है ना तब तो जीतू सर से बात करो आप लोगों की गूगल मीट हुई थी आप उस टाइम बोल देते सारे डाउट आपके देखो लाइव क्लास जो होती है वहां पे आगे ना एक डब्बा सा बना उसमें आर ई सी लिखा उस पर क्लिक करो वहां पे रिकॉर्डेड क्लास आ जाती है ठीक है चले नेक्स्ट फंक्शन ऑफ टीचिंग अब फंक्शन देखो कहीं ना कहीं देख लो सारा मिलता जुलता एक एक दूसरे से अगर आपको स्टार्टिंग के कंसेप्ट क्लियर हो गए थे जो मैंने स्टार्टिंग में तीन चार बातें आप लोगों को बताई है तो ऑलमोस्ट आपका सारा क्लियर हो जाएगा टीचिंग का अब मुझे नहीं लगता कि टीचिंग से जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए आप गलत करोगे अब देखो फंक्शंस क्या है टीचिंग के या फिर शिक्षण के क्या कार्य है एज द बेसिस नेचर ऑफ टीचिंग इज परपसिव इसलिए कुछ ऐसे कार्य जिन्हें शिक्षण को पूरा करना चाहिए जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं नंबर वन मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू इंश्योर इफेक्टिव टीचिंग विच विलीड टू एफिशियंट लर्निंग देखो यह हमने पहले भी पढ़ा है कहीं ना कहीं वही लाइन घुमा फिर फिरा के नहीं आई है यहाँ पे जो हम करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ के आए अभी एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करना है जिससे कुशल शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा टीचिंग इज टू गेट द डिजायर्ड आउटकम थ्रू अब देखो आउटकम मैंने क्या बोला था ये भी इंपॉर्टेंट है चेंज द बिहेवियर अगर नहीं दिया गया होगा तो आउटकम कहीं ना कहीं दिया गया होगा ठीक है अगर चेंज द बिहेवियर या ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं लिखा गया होगा या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं लिखा गया होगा तो आउटकम लिखा गया होगा ठीक है टीचिंग इज टू गेट द डिजायर्ड आउटकम थ्रू सर्टेन चेंजेस इन अ स्टूडेंट आइदर इनअली और एटीट्यूडनल इंटेलेक्चुअली ये होता है ये होता है आपके माइंड से रिलेटेड और एटीट्यूडनल चेंज एटीट्यूड होता है आपके बिहेवियर से रिलेटेड अब जहां पे आपकी स्किल की बात आ गई देखना सुनना मेरी बात को ध्यान से आर्ट की बात आ गई साइंस की बात आ गई नॉलेज की बात आ गई क्वालिफिकेशंस की बात आ गई इंटेलिजेंसी की बात आ गई बिहेवियर की बात आ गई बिहेवियर की बात आ गई एटीट्यूड की बात आ गई ओके और इंटेलेक्चुअल की बात आ गई तो वो सारा आपका टीचिंग में आएगा क्लियर है ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है शिक्षण का उद्देश्य छात्र में बौद्धिक व्यवहारिक अब क्या-क्या काम का? है बौद्धिक है व्यवहारिक है स्किल है आर्ट है साइंस है ओके और आप लोगों का इंटेलिजेंसी है एटीट्यूड है और आप लोगों का और क्या था क्वालिफिकेशन है ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी आपकी टीचिंग में परिवर्तन के माध्यम से कुछ परिवर्तनों के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करता है करना है इफेक्टिव टीचिंग फॉर इफेक्टिव लर्निंग हाँ जी आ, मैं भी ऐसा ही करती हूँ राखी बट छूट जाता है थोड़ा इसलिए पी डी एफनी पड़ती है ठीक है अब देखो नेक्स्ट टीचिंग इज डन टू एनहांस द लर्निंग स्किल्स ऑफ लर्नर Obviously, बात है शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने के कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है ठीक है जी टीचिंग हेल्प्स इन एक्वायरिंग नॉलेज बोथ वेज इन द द सेंस दैट लर्नर लर्न फ्रॉम द टीचर एंड द टीचर आल्सो लर्न फ्रॉम द लर्नर अब देखो ये भी न्यू लाइन ऐड हुई है आप लोगों की यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ टीचर ही स्टूडेंट को सिखाता है या टीचर कुछ नहीं सीखता है क्या दोनों सीखते हैं टीचर भी सीखता है और स्टूडेंट भी सीखता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिंदगी भर टीचर भी सीखता रहता है लर्नर के साथ साथ कहीं ना कहीं और लर्नर भी सीखता है क्लियर है तो दोनों सीखते हैं क्योंकि ये प्रोफेशन है प्रोफेशन का मतलब ही ये होता है कि काम कर रहे हैं दोनों ठीक है दोनों काम कर रहे हैं खुद काम कर रहे हैं खुद से जब काम होगा तभी होगा ऐसा नहीं होगा कि कोई और करके देगा क्योंकि ये एक कला है और ये एक साइंस है शिक्षण दोनों तरह से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है इस अर्थ में शिक्षार्थी शिक्षक से सीखता है और शिक्षक भी शिक्षार्थी से सीखता है इट हेल्प्स लर्न टू बिकम सोशली एक्सेप्टेबल अब देखो सोशली प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है कि सोशल प्रोसेस भी है सोशली एक्सेप्टेबल एंड द मोटो ऑफ द टीचर इज टू मेक दिस पॉसिबल या शिक्षार्थी को सामाजिक रूप से स्वीकार बनने में अब देखो सामाजिक रूप से क्यों क्योंकि शिक्षण का काम क्या है एक शिक्षक का क्या काम रहता है कि उसके बिहेवियर को चेंज करना जब आप बिहेवियर को चेंज करोगे तभी तो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा मीन समाज बोलेगा कि हाँ सच में ये पढ़ा लिखा है इसमें सच में अच्छी आदतें पाई जाती है इसमें सच में अच्छे गुण पाए जाते हैं तो गुणों को डालना स्टूडेंट के अंदर ठीक है गुणों को डालना तभी तो उसको समाज एक्सेप्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कड़ी से कड़ी जुड़ रही है ओके इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑफ द बिलीफ सिस्टम अमंग्स द लर्नर यह शिक्षार्थी यह शिक्षार्थी के बीच विश्वास प्रणाली की नींव स्थापित करने में मदद करता है ठीक है विश्वास अब जब आप पढ़ाई करोगे मान लो आपको मैं नेट की तैयारी करवा रही हूँ तो आपके अंदर विश्वास जागेगा कि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके अंदर क्या विश्वास जागेगा बता सकते हो मुझे जब आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करोगे अच्छे से पढ़ाई करोगे रिवीजन करोगे रिकॉर्डेड क्लास को देखोगे पीडीएफ को देखोगे नोट्स बनाओगे तो आपके अंदर क्या विश्वास जागेगा अभी रिप्लाई करो प्लीज जल्दी से क्या विश्वास जागेगा आपके अंदर कि मैं कुछ कर सकती हूँ हाँ जी कि आप नेट जे आर क्वालिफाइड कर सकते हो तो विश्वास जाएगा क्लियर है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि हाँ मैं इस दिसंबर में नेट जे लेकर आऊंगी कॉन्फिडेंस टू क्रैक जे आर एफ नेट वेरी गुड हां जी अब देखो टीचिंग हेल्प्स इन मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड टॉपिक इन मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे शिक्षण छात्रों को किसी विषय को अधिक व्यवस्थित और व्यवस्थित तरीके से समझाने में मदद करता है सारे पॉइंट क्लियर है मुझे नहीं लगता कि इन पॉइंट में कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगी अभी आई शेयर एफ हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड तो कॉन्फिडेंस जागेगा जैसे कि मान लो हमने पीवाई क्यूज़ किए कम्युनिकेशन कंप्लीट किया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार कम्युनिकेशन इजी है जितना हम टफ सोचते थे कम्युनिकेशन को उतना टफ तो है नहीं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इजी है आपने पीवाई क्यूज लगाया और मैक्सिमम के आंसर सही भी हुए हैं ठीक है थीके? तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ हम नेट जे आर एफ क्वालिफाइड कर सकते हैं क्योंकि जो नेट जे आर एफ क्वालिफाइड करता है वो भी तो आपकी तरह ही होता है हमारी तरह ही होता है वो कौन सा कहीं अलग दुनिया से आया है हमारे जैसा ही है वो भी नाकान मूस का भी हमारी तरह जैसे हम है।, है जैसे हम वैसे ही दिमाग है जैसा हमारा है ठीक है शिक्षण छात्रों को किसी विशेष को अधिक व्यवस्थित और व्यवस्थित तरीके से समझाने में मतलब कि जो टीचिंग है ना वो हेल्प करता है स्टूडेंट को मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे में सारी चीजों को समझाने में अब नरचीआर एफ की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ऐसे थोड़ी करवा रही हूँ की बीच से कुछ भी उठा के पढ़ा दिया कुछ भी कर दिया ठीक है एक सिस्टमेटिक वे से हम चल रहे पहले हमने कम्युनिकेशन पढ़ाया फिर अब टीचिंग चल रही है अब ऐसा थोड़ी एक दिन कम्युनिकेशन एक दिन टीचिंग एक दिन आप लोगों का डी एक दिन कुछ एक दिन कुछ ठीक है ऐसे तो आप ही कन्फ्यूज हो जाओगे इसे सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड वे से आप लोगों को पढ़ा रही फाइव यूनिट मेरे पास है तो सिस्टेमेटिक वे से आप लोगों को पढ़ा रही हूं। पहले ईजी फिर थोड़ा टफ फिर थोड़ा टफ, और आप लोगों को पूरा एक एक जैसे बोलते हैं ना कि खाना सा बना के देना सामने परोसना तो उस तरह से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्या आपको खाना है परोस के हम दे रहे हैं आपको ठीक है चले नेक्स्ट अब देखो टाइप्स व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इनटू थ्री ब्रॉड टाइप्स दीज आर शिक्षण विधियां विभिन्न प्रकार की होती है जिन्हें मोटे तौर तो पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है फर्स्ट टीचर सेंटर्ड मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि टीचिंग सबको समझ आ गया जो हमने अभी नेचर पढ़े है करेक्टरिस्टिक्स पढ़े है ऑब्जेक्टिव पढ़े है सभी को समझ आ गया करेक्टरिस्टिक्स पढ़े है ऑब्जेक्टिव पढ़े है और क्या पढ़ा हमने फंक्शन पढ़े है क्लियर है सभी को डन वेरी गुड कॉन्फिडेंस आया कुछ टीचिंग इजी है ना बहुत इजी है एक टीचर को कैसा होना चाहिए बस वही है बाकी कुछ नहीं है और पॉइंट इसलिए मैं आप लोगों को ऐड करवाती हूँ जैसे मैं मान लू की आपको टीचिंग क्लियर हो गया नेचर ऑब्जेक्टिव करेक्टरिस्टिक फंक्शन इसलिए मैं और ज्यादा आप लोगों को ऐड करवाती हूँ ताकि आपका माइंड और ज्यादा खुले समझ लो एक कंसेप्ट को कैसे सीखते हैं अपने माइंड को खोलो और ज्यादा कि एक दो लाइन में नहीं क्लियर करना है कंसेप्ट उसको और डिटेल में पढ़ो ताकि आपका माइंड और ज्यादा खुलेगा और ज्यादा न्यू न्यू चीजें आपको सीखने को मिलेगी इसलिए मैं नेचर करेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सारी चीजें आप लोगों को लेकर आती हूँ मैम एक टीचर को आपकी जैसा होना चाहिए बट बात खत्म <laughs> अच्छा जी थैंक अफरीन जी हाँ जी अब देखो टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया ठीक है लर्नर सेंटर मेथड हो गया अब टीचर सेंटर मेथड मैंने अभी आपको बताया कहीं ना कहीं कि आपके जो ज्यादा अथॉरिटी होगी टीचर क्योंकि मीन्स टीचर यहाँ पे प्रधान लर्नर सेंटर मेथड में लर्नर प्रधान ठीक है वहां पे सिर्फ टीचर देखेगा बाकी कुछ नहीं बोलेगा सारा काम वहां पे लर्नर करेगा फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बनाना है लर्नर बनाएगा असाइनमेंट बनाना है लर्नर बनाएगा वहां पे टीचर थोड़ी आएगा असाइनमेंट बनाने आपके घर पे टीचर सिर्फ आपको असाइनमेंट देगा आपको घर पे जाके असाइनमेंट बनानी है ठीक है कॉन्टेंट फोकस्ड मैथड इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव मैथड यहाँ पे टीचर और लर्नर पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है मीन्स ये दोनों बन जाएंगे फ्रेंड्स लाइक अ फ्रेंड्स टाइप ठीक है पार्टिसिपेटिव मेथड अब मुझे बताओ कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा माना जाएगा देखते हैं जरा आप लोगों का कितना माइंड खुला टीचर सेंटर्ड माना जाएगा लर्नर सेंटर्ड माना जाएगा कंटेंट फोकस्ड माना जाएगा कि इंटरेक्टिव या पार्टिसिपेटिव माना जाएगा जहां पे टीचर जब अपनी बात को बोलेगा स्टूडेंट उसकी बात को अंडरस्टैंड करेगा और स्टूडेंट भी अपनी बात को बोलेगा अब सबसे बेस्ट मेथड अगर हम बोले तो कौन सा होगा फिर इंटरेक्टिव वेरी गुड क्यों होगा इंटरेक्टिव अभी इंटरेक्टिव तो मुझे लगता है आपके माइंड में बस गया है इंटरेक्टिव क्यों होगा इंटरेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन है और टू वे कम्युनिकेशन क्या मानी जाती है बेस्ट मानी जाती है पार्टिसिपेटिव क्या माना जाता है बेस्ट माना जाता है क्लियर है गुड अब हम करेंगे जी डिटेल में टीचर सेंटर्ड मेथड ठीक है अब हम डिटेल में करेंगे इनके जितने भी मेथड है फॉर एग्जांपल आपका लेक्चर मेथड है आपका बज मेथड है आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड है और आपका डिसीजन डेमोस्ट्रेशन हो गया लेक्चर हो गया बज हो गया टीम टीचिंग होगी ठीक है टीम टीचिंग होगी ये सारे करेंगे अभी हम टीचर सेंटर्ड में फिर लर्नर सेंटर्ड के मेथड करेंगे जैसे आपका गेम्स और काफी चीजें इंक्लूड है कंटेंट वाला करेंगे इंटरक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव मेथड भी करेंगे ठीक है डिटेल में इनके काफी मेथड होने वाले अभी हाँ क्योंकि आप वो पूछ भी सकते हो मीन्स कि देखो पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या है कि टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है ठीक है वो दोनों पार्टिसिपेटिव है कि दोनों इन्वॉल्व है जहां पे स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो डायरेक्ट टीचर से बात कर पा रहा है फ्रेंडली तरीके से वो टीचर से बात कर रहा है मीन्स की वो पार्टिसिपेट कर पा रहा है तो इसलिए बेस्ट माना जाएगा रोल प्ले मेथड है वो है ब्रेन है ठीक है तो वो सारी चीजें पड़ेगी हम आपका इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड में और एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेक्चर मेथड टीचर सेंटर है लर्नर सेंटर है कंटेंट सेंटर है या फिर इंटरेक्टिव सेंटर है बताना चाह रहा मुझे लेक्चर मेथड कौन सा है आप लोग तो बचपन से यही मतलब पढ़ते आ रहे हो कॉलेज में लेक्चर हुआ होगा मास्टर्स में लेक्चर हुआ होगा स्कूलों में लेक्चर होते हैं कौन सा है वो टीचर है कि लर्नर है आंसर दे दो टीचर है गुड अब देखो अब जो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है इसको इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है एग्जाम में अगर आपसे इंस्ट्रक्टर पूछा गया इंस्ट्रक्टर तो ये कर देना टीचर सेंटर्ड मेथड ठीक है इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है और मैंने क्या बताया था आपको कि एन वाले क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम का भी यूज करते हैं ऑल्सो कॉल्ड ठीक है called, उसी नेम को बोलेंगे क्या करोगे फिर आप तो आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम भी पता होने चाहिए कि, कि किसको और क्या बोला जाता है क्लियर है जी गुड इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर्ड मेथड हेयर द टीचर कास्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ इन द रोल ऑफ बीइंग अ मास्टर इंपॉर्टेंट है ये ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मैं मास्टर मैं प्रधान ठीक है मैं ही करूंगा जो भी करूंगा द टीचर इज लुक्ड अपॉन बाय द लर्नर्स एज एन एक्सपर्ट और एन अथॉरिटी देखो मैंने ये बात बोली थी आपको अथॉरिटी और एक्सपर्ट कौन

नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्न देख लो यहाँ पे नो no. अगर पूछा गया होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर तो कौन सा मेथड आ जाता जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्वमेंट हो गए तो कौन सा मेथड आएगा बताना जरा टीचर भी इन्वॉल्व है और स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है या फिर लर्नर ठीक है लर्नर मीन स्टूडेंट सेंटर टीचर इज क्या लिखा है ज्यादा याद रहेगा हम टीचर इंस्पेक्टर ज्यादा याद है हाँ जी बताओ अगर यहाँ पे लिखा होता इन्वॉल्वमेंट टीचर की भी है लर्नर की भी है इन द टीचिंग प्रोसेस कौन सा मेथड बनता अगर ये लाइन ना दी गई विच रिक्वायर्स लिटल और नो नहीं लिखा होता ये नहीं लिखा होता लिटल और नो विच रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस कौन सा बनता इंटरेक्टिव बनता डरेक्टिव हाँ जी इंटरेक्टिव बनता इंटरेक्टिव बनता है ठीक है

टीचर सेंटर्ड अब क्लोज का मतलब क्या होता है कि जब आपको फॉर एग्जाम्पल निमोनिक बताती हूं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों की सबकी चैट ऑफ कर दी तो अब आप क्लोज हो सिर्फ मैं ही बोलूंगी आपको बोलने का अधिकार नहीं है तो अथॉरिटेरियन में तो होता ही है जहां पे अथॉरिटी की बात आ गई जहां पे एक्सपर्ट की बात आ गई वहां पे दूसरा बंदा तो सिर्फ सुनेगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब कोई एक्सपर्ट हमारे सामने बोल रहा होगा हमें आता ही कुछ नहीं तो हम तो उसकी बात को सुनेंगे उसकी बस हाँ में हाँ मिलाएंगे हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब आपके ऊपर कोई अथॉरिटी है फॉर एग्जाम्पल आपके पापा आपको डांटते तो वो अथॉरिटी है ठीक है तो आप उनके सामने थोड़ी जुबान चला सकते हो बोल थोड़ी सकते हो तो क्लोज हैंडेड कि एक ही बंदा बोल सकता है जो अथॉरिटी रखता है जो एक्सपर्ट है टीचर ही बोलेगा और वहां पर स्टूडेंट नहीं बोल सकता क्लोज क्लोज एंडेड ठीक है कोई नहीं बोल सकता ओपन एंडेड का मतलब है कोई भी आके बोल दे कोई बात नहीं मम्मी डांट रही है तो तब तो हम बोल भी देते हैं है, मैम मम्मा अगर डांट रहे हैं तब तो हमारी जुबान निकल जाती है बट तो अगर पापा डांटते हैं ना तब नहीं मैम बोल पाते फिर तो चुपचाप सुनते हैं बस सिर झुका करके हाँ जी हिंदी में करती हूँ राखी मिश्रा जी यहाँ शिक्षक स्वयं को विषय वस्तु का विशेषज्ञ इंपॉर्टेंट होने की भूमिका में रखता है शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा एक विशेषज्ञ या प्राधिकारी के रूप में देखा जाता है इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट प्राधिकारी ठीक है के रूप में देखा जाता है दूसरी ओर शिक्षार्थियों को शिक्षक से निष्क्रिय इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट और प्रचुर मात्रा में ज्ञान प्राप्त करता माना जाता है ऐसी वीडियो के उदाहरण व्याख्यात्मक इंपॉर्टेंट व्याख्यान इंपॉर्टेंट दिया है जिनमें शिक्षण प्रक्रिया में, में शिक्षार्थियों की बहुत कम या कोई भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है पूरी ही लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट असर्शन रीजन किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है वन लीनियर शिक्षार्थी को जो सिखाया जाता है उसमें उसकी भागीदारी की कमी के कारण ही ऐसी विद्यो को क्लोज एंडेड कहा जाता है क्योंकि उसमें शिक्षार्थी की भागीदारी कम होती है इसलिए इसको क्लोज एंडेड बोलते हैं पापा डांटेंगे तो बच्चे कुछ नहीं बोल पाते क्लोज हैंडेड टीचर डांटेगा अगर बच्चा कुछ भी नहीं बोल पा रहा है क्लोज हैंडेड क्लोज नहीं बोल सकते भाई कुछ भी आंखें बंद करो और खड़े हो जाओ मैम हिंदी में अंडरलाइन कर दो ठीक है जी कर दिया हिंदी में भी अंडरलाइन चले नेक्स्ट पांच मिनट बच्चे जल्दी से कर लेते हैं अब आया जी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड इसको और क्या बोलेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड और क्या बोलेंगे पैसिव पैसिव नेचर का है ये ठीक है अब यहाँ पे तो इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट की भाई यहाँ पे तो स्टूडेंट इन्वॉल्व है क्योंकि नाम नाम से ही पता चल रहा है लर्नर सेंटर्ड मेथड लर्नर रहेगा जो आपका टीचर सेंटर्ड है वहां पे तो जी टीचर रहेगा सेंटर में बोलते नहीं कि ये तो सेंटर में रहेगा भाई इसके इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है अब जहां पे लर्नर सेंटर मेथड है वहां पे लर्नर रहेगा जी सेंटर्ड में ठीक है नहीं, नहीं, है, आ, नहीं है मेरी क्लास नाइन पी एम त्रिपाठी जी नाइन पी एम कोई क्लास नहीं आज इन लर्नर सेंटर मेथड द टीचर इंस्ट्रक्टर इज बोथ अ टीचर एंड अ लर्नर एट द सेम टाइम In the world of Lawrence Stenhouse, the teacher plays a dual role as a learner as well so that in, in his classroom extend rather than constrict the intellectual horizons. The teacher also learn new things every day which he she did not know in process of teaching. The teacher become a resource rather than authority. अंडरलाइन कर दिया हिंदी में भी पढ़ूंगी अभी ठीक है बिकम अ रिसोर्स रादर देन अथॉरिटी एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर डिस्कशन मैथड डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच एंड द हिल्स मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन अब देखो एग्जामिनर ना यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर तो ओनली टीचर डिस्कशन डिस्कशन कर रहा है ओनली टीचर बोल रहा है तो आ जाएगा टीचर सेंटर में ठीक है और अगर डिस्कशन चल रही है टीचर और स्टूडेंट के बीच में तो लर्नर में आ जाएगा ठीक है या फिर लर्नर लर्नर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो भी लर्नर सेंटर्ड में आ जाएगा अब देखो शिक्षार्थी केंद्रित तरीकों में शिक्षक प्रशिक्षक एक ही समय पर शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों होता है लॉरेंस टेन हाउस के शब्दों में शिक्षक एक शिक्षार्थी के रूप में भी दोहरी भूमिका निभाता है ताकि उसकी कक्षा में उसका बौद्धिक क्षितिज संकुचित होने के बजाय विस्तृत हो अब यहाँ पे जो टीचर है ठीक है वो एज अ लर्नर की तरह भी यहाँ पे अपना रोल निभाएगा जो यहाँ पर बात की है बट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे पे आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लर्नर सेंटर मेथड क्या क्या है और लर्नर क्या क्या है क्लियर है लर्नर में रोल प्ले करेगा हाँ जी आप देखो यहाँ पे ताकि उसकी कक्षा में उसका बौद्धिक क्षितिज संकुचित होने के बजाय विस्तृत हो शिक्षक शिक्षण की प्रक्रिया में प्रतिदिन नई चीजें भी सीखता है जो वो नहीं जानता था शिक्षक अधिकार के बजाय एक संसाधन बन जाता है अब यहाँ पे अथॉरिटी पर वो क्या बन रहा है अथॉरिटी नहीं दिखा रहा बल्कि वो एक साधन बन रहा है एक रिसोर्स बन रहा है नॉलेज को गेन करने के लिए शिक्षार्थी केंद्रित तरीकों के उदाहरण है चर्चा विधि खोज या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण और चर्चा के माध्यम से सीखने का हिल मॉडल ओके और इसकी अगर एक और डेफिनेशन भी है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड की वहां पे सिर्फ स्टूडेंट के बारे में बताया गया है ठीक है जहाँ पे स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे इन्होंने बताया कि टीचर को ही बता दिया है कि टीचर एज अ लर्नर ठीक है टीचर एज अ लर्नर ये भी आप लोगों का ठीक है सही है ठीक है और एक जगह पे इन्होंने जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है वहां पे उन्होंने स्टूडेंट को बताया है स्टूडेंट के परस्पेक्टिव व्यू से बताया है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका स्टूडेंट है वो पैसिव होगा क्लियर है मैम टीचर सेंटर मेथड में ओनली टीचर बोलता है ना हाँ जी टीचर सेंटर मेथड में मीन्स ये रखो आपकी टीचर प्रधान रहेगा और स्टूडेंट सेंटर मेथड में आपका स्टूडेंट प्रधान रहेगा अब देखो कंटेंट अब कंटेंट का क्या मतलब है यहाँ पर पढ़ लेगी टाइम तो नहीं हो गया टाइम हो गया टाइम हो, हो गया जी आप लोगों का डन मैम ठीक है जी डन है आज के लिए तो ओके okay? और अभी फोल्डर बनाती हूँ कल पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है अभी फोल्डर बना दूंगी मैं फोल्डर होगा जी आप लोगों का बिल्कुल खाली ब्लैंक फोल्डर बन जाएगा अभी और कल पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूंगी मैं ठीक है हाँ जी क्लास का टाइम हो गया है जी आप लोगों का आप नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए हाँ मैम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बट कैन यू टेल एट विच टाइम यू यूज टू टेक द्लास सेवन पी एम सेवन पी एम मोनिका जी डेली वेनसडे टू सैटरडे अभी तो फिलहाल टू सैटरडे है बट मंडे एंड ट्यूजडे भी हो जाती है मतलब ये रखो आपकी सेवन पी एम आपको चेक करना है डेली ठीक है सेवन पी एम टू एट पी एम पेपर वन की क्लास होती ही होती है या मेरी या जीतू सर की या फिर मंजू मैम की किसी न किसी की डेफिनेटली होगी ही होगी सेवन पी एम टू एट पी एम पेपर वन की जो टाइमिंग है एक तो सेवन पी एम टू एट पी है एक फोर पी आपकी फाइव पी है और एक आपके नाइन पी वो होती है आपकी यूट्यूब पर ऐप पर जो आपकी क्लास की टाइमिंग है प्लीज सुन लो थोड़ा सा एक बार जिनको नहीं पता बाकी लेफ्ट कर लो ठीक है सेवन पीएम ऐप का टाइमिंग टू एट पी एम ये है ऐप का क्लास और आपका फोर पी एम टू फाइव पी एम पर और यूट्यूब पर जो पेपर वन की क्लास होती है नाइन पी एम जहा पे आपको चेक करना है बाकी शेड्यूल अनाउंसमेंट में डाल देती हूँ अपलोड कर देती हूँ हमेशा आज मुझे नहीं लग रहा है कि आज किसी की क्लास है पेपर वन की यूट्यूब पर शेड्यूल तो मैंने देखा नहीं किसी का ठीक है कल लो आप अपने नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कल पढ़ते टाइप्स ऑफ टीचिंग और इसके अंदर हम लर्नर सेंटर मेथड और टीचर सेंटर मैथडी कर ही लेंगे कल दो मैथड तो मैथ कम्प्लीट ठीक है मैं मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मैम सेवन सी में कंक्रीट का क्या मतलब है अभी पूछना है मिस सफरीन कंक्रीट का मैथ अभी पूछना आप, आपने टाइम हो गया है आ, आप एक बार ना मेरी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना कंक्रीट वाली ठीक है सेवन सीज में कंक्रीट का मतलब लग जाएगा पता कंक्रीट का मतलब होता है ना जैसे मान लो ये ये ना पूरा लिया है मैंने ठीक है अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना वो होता है कंक्रीट ठीक है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मीन्स ये पूरा सेंटेंस है उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लू उसको बोलते हैं कंक्रीट कि ताकि आपको इजीली समझ आ जाए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाए नेचर एंड करेक्टरिस्टिक पढ़ाए एक साथ ही मैं सारा पढ़ा देती तो वो कंक्रीट मैंने छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ के आपको पढ़ाया तो कंक्रीट हो जाएगा वो ठीक है कौन था पूछने वाला जो भी थे समझ आ गया आपको कमेंट काफी ऊपर चला गया कल करते हैं जी अब ठीक है अभी तो काफी लंबा चलेगा हमारा स्टूडेंट सेंटर लर्नर सेंटर इसके आठ आठ दस दस मेथड है एग्जाम्पल जो है इसमें कल करते हैं प्लीज नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सभी नेक्स्ट क्लास को थैंक यू सो मच बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल गुड नाइट हां जी बिल्कुल मिटा देते हैं जी हम लिखा हुआ जो पीडीएफ में लिखा है मेगा क्या क्या बोल रहे हो एक बार मैम स्टूडेंट स्टूडेंट सेंटर्ड रिपीट देखो सेंटर का मतलब क्या होता है कि जब आप एज अथॉरिटी नहीं हो आप ठीक है एज अथॉरिटी नहीं आप ना कुछ सीख रहे हो स्टूडेंट का मतलब क्या होता है सीखना टीचर का मतलब स्टूडेंट होता है आपका पैसिव और टीचर होता है आपका एक्टिव ठीक है आप सीख रहे हो कुछ बस स्टूडेंट सेंडर का मतलब आप स्टूडेंट हो कि आप क्या कर रहे हो आप सीख रहे हो आप लर्निंग कर रहे हो वो होगा स्टूडेंट सेंटर में ठीक है आप ज्ञान ले रहे हो आप लर्निंग कर रहे हो स्टूडेंट सेंटर मेघा जी एक लाइन में आप सीख रहे हो बस सिंपल लैंग्वेज में आप सीख रहे हो आप किसी को सिखा नहीं रहे हो आप खुद सीख रहे हो स्टूडेंट सेंटर्ड और किसी के अंडर आप सीख रहे हो आप लर्न कर रहे हो चीजों को स्टूडेंट सेंटर्ड कल कम्युनिकेशन की क्लास नहीं थी कल आप लोगों की टीचिंग की क्लास थी टीचिंग जो है कल टीचिंग की क्लास थी कम्युनिकेशन की नहीं थी मेगा क्लियर है आपको आप सीख रहे हो तो स्टूडेंट सेंटर्ड में आएगा किसी के अंडर आप सीख रहे हो आप पैसिव नेचर हो एक्टिव नेचर नहीं आपका डिपेंडेंट हो आप, आप गूगल पे डिपेंड हो सकते हो यूट्यूब पे डिपेंड हो सकते हो आजकल तो ये चीजें ना सीखने के लिए बनी टीचर पे डिपेंड हो सकते हो आप फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ टीचर सेंटर्ड और आप हो लर्नर सेंटर्ड क्लियर ठीक है जी ओके बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल कर लो अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन